सभी बहनों को नमस्कार। मुझे भी देख लो। नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। महीने में एक बार देखते हैं पर चलो अच्छा बहुत लगता है। ऐसा लगता है सबसे मिल लिए। सबसे मिल लिए क्या? अगर मास्क उतरे हुए होते हैं ना इसलिए सबकी शक्लें दिखती भी है। शक्लें अच्छे से लिप शेड भी लग जाते हैं आज के। हाँ जी। तो हमारा अक्टूबर का महीना तो पूरा फेस्टिवल से भरा होता है। स्टार्टिंग विद गांधी एंड शास्त्री जयंती, फिर नवरात्रास, दशहरा, कभी कभी दिवाली भी अक्टूबर में आती है, पर इस बार दिवाली नेक्स्ट मंथ है तो हम दिवाली सेलिब्रेशन नेक्स्ट मंथ करेंगे। हेलो हेलो। और अभी नवरात्रास है तो हमें लगा कि माता की खुशी के साथ हमें अपने मीटिंग का शुभारंभ करना चाहिए, तो उसके लिए कविता ने बहुत सुंदर एक प्रेयर तैयार की है। मैं चाहूंगी कि आप कविता के स्क्रीन को पिन कर लीजिए, कविता दिखेगी तो सबको अच्छे से। और कविता माँ स्तुति करेंगी, उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस कोचर से कि वो नौ दुर्गा के बारे में कुछ हमें जानकारी दें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, सबको पता होता है लेकिन तो सबकी जहन में रहती है। और क्योंकि नौ दुर्गे आने वाले हैं नवरात्रे, तो हमें लगा कि ये बहुत एप्रोप्रिएट हमारी मीटिंग है कि इसमें हम सब इस जानकारी को प्राप्त करें। कविता, आर यू रेडी? आई एम रेडी। देखो मेरा ये फोटो और मैं आ रही हूँ। आ रहे हो आप? आ रहे हो। कविता कर लीजिए, जो लोग फोन पे है तो डबल टैप कर लीजिए कविता की फोटो पे, तो कविता ही दिखेगी आपको अच्छे से। और जो लोग लैपटॉप पे हैं वो कविता की फोटो पे टैप करके ऊपर तीन डॉट्स आएंगे उसमें कविता को पिन कर दीजिए, पिन बना हुआ है। हम तब तक मिसेस कोचर से सुनते हैं। मिसेस कोचर, कैन यू हेयर मी? मिसेस कोचर, आप सब लोग अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, कैन यू हेयर मी नाउ? या हाँ जी, हाँ जी, बताइए। Shall I start? Yeah. Okay. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस बार काल मास या अधिक मास के कारण नवरात्र एक माह देर से शुरू होंगे, क्योंकि 17 अक्टूबर को माँ दुर्गा का धरती पर आगमन होगा। अब नवरात्रि में माता दुर्गा के नौ रूपों को पूजा जाता है। इन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा होने पर इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। ये वृषभ पर आरूढ़, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं और यहां से उनकी योग साधना शुरू होती है। दूसरा स्वरूप माँ का ब्रह्मचारिणी का है। अर्थ है तप का आचरण करने वाली। ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा और इनका वाहन सिंह है। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इस दिन साधक का मन अनाहित चक्र में स्थित होता है। पवित्र मन से पूजा उपासना करनी चाहिए। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। ये पांचवा स्वरूप भगवान स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं, इसीलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान है,
इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है और इनका वाहन भी सिंह है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से जानी जाती हैं। सातवां रूप है इनका कालरात्रि। सातवें स्वरूप को कालरात्रि कहते हैं। माँ का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें शुभद करीब भी कहा जाता है। आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोद और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। नौवां रूप है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग का सामान रखकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए, ये तो आप इनका वो नौ दिन नौ शक्तियां किस किस रूप में है, ये इसी को आगे बढ़ाते हुए कि माँ ने नौ दिनों में क्या क्या करती हैं इस धरती पर आके, एक छोटे से भजन, एक एक लाइन बोलूंगी, टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। मैं नवरात्रों में जब धरती पे आती है। कुछ ना कुछ देने को वो सोच के आती है। मैं नवरात्रों में पहले नवरात्र में मालक जगाती है, दूजे नवरात्र में मासन लगाती है, मैया नवरात्रों में तीजे नवरात्र में माँ घर घर जाती है, चौथे नवरात्र में माँ ज्योत जगाती है, मैया नवरात्रों में पांचवें नवरात्र में माँ खाते खोलती है, छठे नवरात्र में माँ दर्श दिखाती है, मैया नवरात्र में सातवें नवरात्र में माँ वरदान देती है, आठवें नवरात्र में माँ भोग लगाती है, मैया नवरात्र में नौवें नवरात्र में मेरी माँ की विदाई है, मैया फिर आना है ये वादा निभाना है, मैया फिर आना है ये वादा निभाना है, मैया नवरात्रों में। जय माता दी, जय माता दी। तो बस यही है कि इनका नौ स्वरूपों में क्या किस तरह से इस धरती पे आती हैं और इन नौ दिनों में ये किस तरह से यहाँ दर्श देती है। थैंक यू मिसेस कोचर, बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे आशा है कि सभी बहनों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। अभी थोड़ा कोशिश की है ऑडियो के लिए, तो कविता का पहले प्रेयर देख ले, फिर स्वरण से मैं निवेदन करूंगी कि वो माता की एक बहन गाएंगी। स्वरण ठीक है, रेडी? हाँ रेडी। Thank you.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. थैंक यू. वेरी नाइस कविता. वेरी बहुत अच्छा. थैंक यू. उड़ गए तो क्यों. वेरी नाइस कविता. वेरी नाइस. थैंक यू. वेरी नाइस. वो जो कचरा लो तो पैसे देंगे. पूरा कचरा डालो. चलो इसका मतलब ये हौसला हुआ कि हम Zoom पे कुछ भी कर सकते हैं. कर सकते हैं. मैं डांस कॉम्पिटिशन रख लेंगे. हां, दिस वाज जस्ट अ ट्रायल. अभी स्वरण से मैं निवेदन करूंगी. स्वरण आप तैयार हैं? आप अपने आप को पहले अनम्यूट करिए. आप अनम्यूट करिए. स्वरण आप अनम्यूट करिए. अनम्यूट करिए. आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है. हाँ जी, आ रही है. जय माता दी. चलो माता दा बुलावा आया. मैया दा बुलावा आ गया. चल चलिए. मैया दा बुलावा आ गया. चल चलिए. साडा वी नंबर आ गया. चल चलिए. साडा वी नंबर आ गया. चल चलिए. मैया दा बुलावा आ गया. चल चलिए. मेरी मां ने किया कमाल. दित्ते चिट्ठी सब नू डाल. अब तो पंख लगा के उड़ू. मैया दा बुलावा आ गया. चल चलिए. साडा वी नंबर आ गया. चल चलिए. कर लो चलने की तैयारी. लो चिट्ठी पढ़ लो सारी. दिल हो गया बेकाबू. लो चल गया माँ का जादू. मैं माँ का दीवाना हो गया. चल चलिए. मैं माँ का दीवाना हो गया. चल चलिए. साडावी नंबर आ गया. चल चलिए. आती हुई मस्त हवाएं. मेरी माँ का संदेशा लाए. मैं क्यों ना घूमूं गाऊं. किस्मत का मेरा हो गया. चल चलिए. किस्मत का मेरा हो गया. चल चलिए. साडा वी नंबर आ गया. चल चलिए. मैया दा बुलावा आ गया. चल चलिए. मैया दा बुलावा आ गया. चलो किसने चलना है. जय माता दी. मैंने तो बुलावा दे दिया. आ गया है. जिसने तैयारी करनी है ट्रेन चलने लगी है. चलो बहुत अच्छा. बहुत मजा आया. जैसा कि आपको पता है अभी इसी महीने में हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी जयंती मनाई है और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई है. तो मैं मिसेस गुप्ता से निवेदन करूंगी कि वो गांधी जी के ऊपर कुछ शब्द कहें. मिसेस गुप्ता, ओवर टू यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तेने कही ए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आए रे. 2 अक्टूबर हम सबके लिए क्या मायने रखता है.
क्या ये सिर्फ एक नेशनल हॉलीडे है या उससे बढ़कर भी कुछ है? इस दिन देश के दो महान सपूतों ने जन्म लिया था, एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे महात्मा गांधी। गांधी जी यूं ही कोई राष्ट्रपिता नहीं बन जाता। अपने महान विचारों और दृढ़ निश्चय से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई। उनमें देश का लोगों का नेतृत्व करने की ताकत थी, तभी वे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सारे भारत को जोड़ पाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित है। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ के यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सोचकर गर्व होता है कि हमारे राष्ट्रपिता विदेशों में भी इतना सम्मान पाते हैं। गांधी जी का उन दिनों में एक चरखा कोष चलता था जिसे जमनालाल बजाज चलाते थे, ध्यान रखते थे, कोषाध्यक्ष थे। उन्हीं दिनों एक बहुत गरीब औरत महात्मा गांधी के पास आई, पैर छूके उन्हें एक तांबे का सिक्का दिया। गांधी जी ने वो सिक्का अपने पास संभाल के अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। जमनालाल बजाज बोले, बापू जी दीजिए, कोष में रख दूंगा। बापू ने कहा, नहीं ये मैं अपने पास रखूंगा। तो जमनालाल बजाज बोले, लगता है आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। गांधी जी ने बोला, बात विश्वास की नहीं है, बात यह है कि जो लोग 1000 में से 100 देते हैं उसकी उतनी कीमत नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसने एक सिक्का दिया है वो अनमोल है, और अनमोल चीज में हमेशा अपने पास रखता हूँ। ऐसे थे हमारे बापू जी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मिसेस गुप्ता, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। और मिसेस भाटिया से अब निवेदन करूंगी, मिसेस भाटिया आप गांधी जी का कोई भजन या कोई गीत सुनाइए प्लीज। कैन यू हियर मी? हां जी सुन रहे हैं? हां जी हां ओके। गांधी जी का मेरे को बड़ा पुराना भजन आता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना काला, सबको आता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की तार, साबरमती के संत तूने दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब धब की लड़ाई, दागी न कभी तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरे फकीर तूने करामात दिखाई। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अब दूसरे जो महापुरुष जिनकी जयंती हमने सेलिब्रेट की है 2 अक्टूबर को,
लाल बहादुर शास्त्री जी जो सादगी की प्रतिमा थे उनके ऊपर मैं कुछ शब्द बोलने के लिए मधु मित्तल को आमंत्रित करूंगी। मधु मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? आवाज आ रही है? आ रही है। Your video is gone. Madhu, your video is yeah. Yeah, now it's okay. Okay. Now. You can start. स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर में हुआ। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और वो अपने नाना के घर मिर्जापुर चले गए। वहीं पर उन्होंने इनिशियल अपनी पढ़ाई शुरू करी और ग्रेजुएशन और बनारस चले गए फर्दर स्टडीज के लिए। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें शास्त्री जी की उपाधि मिली। वे जातिवाद को हटाना चाहते थे इसलिए उन्होंने श्रीवास्तव हटाकर अपने नाम के आगे शास्त्री जी लगा दिया। जबकि उनके परिवार में आजादी का कुछ वो नहीं था बट अपने एक टीचर विश्व कामेश प्रसाद मिश्रा जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने एक बार गांधी जी का एक भाषण भी सुना था 1915 में और 1921 में अपनी हाई स्कूल छोड़कर आंदोलन में भी भाग लिया और उसमें अरेस्ट भी हो गए थे और मगर नाबालिग होने से छूट गए थे। में उनको 16 मार्च को ललिता देवी से उनकी शादी हुई और शादी में उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया। बहुत सरल थे, वो चाहते थे कि हम ही बदलें। उसके बाद 1930 में उन्होंने कांग्रेस यूनिट के सेक्रेटरी बन गए और उन्होंने पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत सारे काम करे जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज की जगह उन्होंने पानी के बौछार की शुरुआत करी। ट्रांसपोर्ट में लेडीज के लिए सीट रिजर्व करवाई उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अभी जब वो 1956 में रेलवे मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक बार ट्रेवल कर रहे थे तो उनको बहुत कमियां नजर आई तो उन्होंने फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास में डिफरेंस उसका फेयर में उन्होंने वो करा और उसमें थर्ड क्लास में उन्होंने पंखे लगवाए, पेंट्री बनवाई, ये सारी शुरुआत उन्होंने ही करी थी। मगर एक रेल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 112 लोग मर गए थे एंड ही वाज सो गिल्टी दैट ही रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। एंड उसके बाद पॉलिटिक्स में काम करते रहे वो। 1964 में जब उनकी डेथ हो गई, नेहरू जी की डेथ हो गई, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनका उस वक्त जो था हमारे देश में गेहूं अमेरिका से आता था विच ही वाज नॉट इन फेवर, तो उन्होंने बीच में रुकवाना बंद कर दिया। बहुत देश में तंगी आ गई। 1965 में उन्होंने वो लेना छोड़ दिया, अपनी सैलरी भी लेना छोड़ दिया और उन्होंने लोगों से अपील करी कि भाई आप हफ्ते में एक बार उपवास रखिए सो देट कि हम लोग थोड़ा सा अन्न बचा सकें। और उस वक्त उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया जो आज तक चलता आ रहा है। बीच में उनका बहुत आर्थिक तंगी भी थी। उन्होंने इतने सरल थे कि वो फटा हुआ कुर्ता पहनकर उसमें मीटिंग्स में चले जाते थे ऊपर से कोट पहन के, जबकि ललिता देवी हमेशा कहती थी कि भी क्यों ऐसा कर दो, कहते मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं गरीबों की समस्या को समझ ही नहीं सकूंगा, मतलब आई वोंट बी एबल टू शेयर, तो इसलिए वो बहुत ही सिंपल उसमें रहते थे। जब नेहरू जी की डेथ हो गई वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने ताशकंद समझौते के लिए वो 1966 में ताशकंद गए। वहां पे
he was not in favor, but उन्होंने जब समझौते पे साइन कर दिए उसी रात को उनको हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। मगर उस वक्त उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और पोस्टमार्टम नहीं हुआ ही वाज डिक्लेयर्ड कि भी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, जो आज भी बहुत रहस्य में बनी हुई है। उनके घर वाले तो यही कहते हैं कि नहीं उनको जहर देकर हत्या करी गई थी और उसका आज भी कोई वो स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। बट उन्होंने क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से अपना बहुत सादगी से ईमानदारी से सारा कुछ अपना जीवन व्यतीत करा, जो आज भी पूरे देश उनको श्रद्धा पूर्वक याद करता है। और जब समझौता उधर ताशकंद में उनकी डेथ हो गई तो दैट वाज 11th जनवरी 1966 उनकी बॉडी आई यहाँ 12 जनवरी को। और उसके बाद उनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया और उनको आज भी उतनी ही उनकी सरलता के लिए याद किया जाता है और उनको बहुत श्रद्धा दी जाती है। थैंक यू मधु, थैंक यू वेरी मच शास्त्री जी के ऊपर इतनी हमें जानकारी देने के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्री जी सादगी की प्रतिमा थे और मैं उस दिन पढ़ रही थी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में थे तो उनकी साड़ी में कुछ उनकी धोती में सॉरी कुछ छेद था, तो उनके बीवी ने कहा ललिता जी ने कि आप ये छेद वाली धोती पहन के जा रहे हैं क्योंकि उनके पास दो ही धोतियां थी। तो वो बोले मैं एक धोती धो के दूसरी धोती पहन के तो जा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वस्त्र ही नहीं है पहनने के लिए देश में। तो इतनी कैन ज्योति हियर मी? हाँ जी हाँ जी बोलिए। यस और उन्होंने कहा कि सब लोग अपना अनाज खुद से उगाने की कोशिश करिए क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है हम इसे कृषि प्रधान राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मैं एक फोटो भी देख रही थी ललिता शास्त्री जी की कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने जो जगह थी उस पे गेहूं उगाई हुई थी और वो काट रही है गेहूं। कुछ ही दिन पहले पेपर में वो फोटो भी उनकी शेयर हुई थी। तो बहुत ही ज्यादा सादगी की प्रतिमा थे, तो हम उनको नमन करते हैं, ऐसे महापुरुषों को नमन करते हैं जो हमें अच्छी राह दिखा के गए हैं। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके अच्छे जो उनके दिए हुए ज्ञान है या उनके जो आदर्श है उनके ऊपर चलें। तो अभी कोई कुछ और कोई कहना चाहते हैं कि हम तंबोला खेलेंगे? अब तंबोला में आपको शब्द भेजे थे जो भी त्योहार आ रहे हैं, हमने दिवाली के शब्द भी उसमें तंबोला में इंक्लूड किए हैं क्योंकि दिवाली के महीने में फिर हम कुछ और प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। तो क्या अभी तंबोला स्टार्ट करें? सबके पास टिकट है अपनी? ठीक है, तो हम लोग सबको अनम्यूट कर दिया है। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो लोग अनम्यूटेड नहीं है प्लीज। कैन यू हियर मी ज्योति जी? यस नहीं हम लोग वो म्यूजिक के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो लग नहीं रहा था। नो प्रॉब्लम। अंजू आप टिकट बना लीजिए। हेलो, अब बोल सकते हो तो उनको जाएगी दीदी? आपको ऑडियो नहीं? ज्योति जी मेरी आवाज आ रही है? हां जी सबकी आवाज आ रही है। ज्योति जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सबकी आवाज आ रही है। मेरी आ रही है? ओहो ज्योति मेरी आवाज आ रही है? जब मैं बोलूंगी हाउसफुल हो गया तो तुझे सुन जाएगा ना। आ रही है, नीता जी की भी आ रही है। आप कितने चले गए हो? ऐसा ही है जी। अरे भाई सबकी आ रही है। ज्योति एक टिकट में खेलने के दो है? दो टिकट बना रही बोला था, एक ही तो बोला था, एक तो बना रही है। ठीक है नहीं तो मेरी आवाज आ रही है?
रितु जी, रीता जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, ठीक है, ठीक है। ज्योति मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ज्योति जी मेरी आ रही है या नहीं? थैंक यू। पर एक एक बात और है ना कि मुझे आवाज आने से नहीं, मधु को जानी चाहिए आवाज, क्योंकि तब बोला वो खिला रही है। मधु मेरे को लगे तो मधु को आवाज आ रही है हमारी। मधु जी परेशान हो जाएंगे सुन सुन के। मैं अब गेम शुरू करूं? नहीं गई। आपकी आवाज आ रही है, मुझको आ रही है, मेरी आवाज सबको पहुंचनी चाहिए। हां जी आ रही है, आ रही है मधु। Am I audible to everybody? Yes. 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 So I'll start the game. It's early 5, jaldi 5, then early 10. Early 10 क्यों? मेरी मर्जी. Good one. Very good. आप early 5 भी करिए, मगर जिसको early 5 मिल जाएगा उसको early 10 नहीं मिलेगा. Okay. एक को एक ही मिलेगा। ये होस्ट के ऊपर है क्या गेम रखी है, और टिकट एक ही है मधु सबके पास। कॉर्नर अर्ली फास्ट के है ये। अर्ली 5 यहां पर अर्ली 5 अर्ली 10 कॉर्नर्स 9 1 2 3 और मैं तो बहुत पैसे है मेरे पास, तो मैं लाइंस को डबल कर रही हूँ कि ए फर्स्ट लाइन दो बारी लोग यस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लाइन टू भी दो बारी यस करेंगे, लाइन थ्री भी यस करेंगे, एंड देन द हाउसेस। ओके ओके, हाउ मेनी हाउसेस? थ्री। एक बार फिर बोल दो मधु, मैं बाहर चली गई थी। हाँ जी, अर्ली 5 अर्ली 10 ओके corners lines 1 2 3 but twice दो जने दो बारी yes होगा and three houses okay बीच में किसी की disturbance आ रही है किसके किसकी आवाज आ रही है बीच में बहुत ज्यादा टीवी चल रहा है क्या आप आपको ही अपना कंट्रोल करना पड़ेगा मैं म्यूट कर दूंगी तो आप लोग यस बोलोगे तो पता नहीं चलेगा ठीक है अपना बैकग्राउंड खुद ही कंट्रोल कीजिए प्लीज अब ठीक है मधु बोलो तो तेरा बैंगल बहुत सुंदर है वही दिख रहा है स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बैंगल एंड रिंग आल्सो ओके ओके रिंग रिंग दिखाई दे रही है गेम पे कंसंट्रेट है आ रहा है स्क्रीन पे आ रहा है फलाहार एंड द गेम इज ओवर और हम लोग बार बार तंग भी करते हैं मधु दोबारा से बोलो रिपीट कर दो एक बार और बड़ी पेशेंस से साथ खिलाती है थैंक यू वेरी मच मधु बोल लेना बोल हो गया मधु थैंक यू ज्योति मोला में पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे सुना सबको सुना बड़े ध्यान से सुना और प्यार के साथ सुना तो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स और ये थाली मेरी थाली देख लो खाने पड़े स्नैक्स ले मधु ने दिखा दिया हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे आइए आइए ऑल आर इनवाइटेड मधु जी आ रहे हैं भी थाली सजा के लाई है और मधु भी लाई है अभी हमने कहा कि हम दोनों मिलके बहुत वैरायटी खिलाएंगे सबको चलो हम बाइट ले रहे हैं बाइट है ना मिसेस गुप्ता बहुत टेस्टी है मैंने बाइट खा ली है तो थैंक यू फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ वही फर्स्ट फ्राइडे को ही होगी मीटिंग इस बारी वो 2 अक्टूबर की वजह से हमने शिफ्ट की थी अदरवाइज हम चाहते हैं कि ना शिफ्ट करें फर्स्ट फ्राइडे रखें पर इस बार वो नेशनल हॉलीडे था और लोगों के ऑफिस शुरू हो गए हस्बैंड्स के तो सबको जाना था तो इसलिए हमने फिर डेलिबरेटली मतलब हमें ये करना पड़ा
कि हमने सेकंड फ्राइडे रखी, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट फ्राइडे ही होगी और दिवाली का होगा, तो उसके ऊपर जो भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई नलिनी आप तो कविता बहुत अच्छी सुनाते यार, दिवाली पे एक कविता आपकी तरफ से भी होनी चाहिए नेक्स्ट मंथ नलिनी, ठीक है? और आई होप माय ब्रेड पकोड़ा एंड केक और सब लोग मिसेस गुप्ता इट्स सो यम, तो नेक्स्ट मंथ मिसेस गुप्ता तो केक बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ मिसेस गुप्ता का, मिसेस गुप्ता आपकी प्लेट नहीं दिखी अच्छे से मिस गुप्ता प्लेट तो दिखा दो, खिलाएंगे नेक्स्ट टाइम, खिलाएंगे तो नेक्स्ट मंथ के लिए। सब लोग बता दीजिएगा कौन क्या पार्टिसिपेट करना चाहता है, किसी के पास आइडियाज हो प्लीज जरूर शेयर करिएगा ग्रुप पे, और जो अपनी तरफ से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपकी तो कविता होगी, बाकी लोगों को बोल रही हूँ, तो सब लोग प्लीज शेयर कीजिएगा क्या क्या करना चाहते हैं, आइडियाज हो सजेशन हो प्लीज जरूर दीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही अच्छा लगता है जब सब आप लोगों के सबके पैसे मैं जोड़ती जा रही हूँ, फिर मैं इकट्ठे दिवाली गिफ्ट के साथ भेजूंगी। ओके थैंक यू बाय बाय।